हेलो माय डियर फ्रेंड्स, दिस इज सुजीत एंड यू आर वाचिंग यूट्यूबर सुजीत यूट्यूब चैनल। सो फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में हम पोजीशन से रिलेटेड, मतलब सीटिंग अरेंजमेंट, कैसी हमारी बैठक व्यवस्था, कैसे खड़े रहना, क्या क्या सब इन वर्ड्स को बोलते हैं, खड़े रहना, बैठना, उठना, दो पाँव पर बैठना, खड़े रहना और झुकाव से रहना, सब सारे ये वर्ड्स का मतलब मैं आज के इस वीडियो में बताऊंगा। सो फ्रेंड्स, विदाउट वेस्टिंग योर टाइम, लेट्स बिगिन दिस वीडियो। वेल फ्रेंड्स, इनफैक्ट आज के इस वीडियो में हम सबसे पहला वर्ड है हमारा, बहुत ही इंपॉर्टेंट वर्ड है, मैंने एक बुक में, मेरी नोटबुक में लिख रखा है, आपको मैं वन बाय वन फ्रेंड्स इसमें डिस्कस कराऊंगा। तो सबसे पहला वर्ड है हमारा नीलिंग, KNEELING। नीलिंग का मतलब होता है घुटनों के बल बैठना, ठीक है। अगर कोई भी पर्सन घुटनों के बल बैठा है तो वो नीलिंग कर रहा है, ठीक है, नीलिंग की पोजिशन में है। तो ये वर्ड आपके लिए इंपॉर्टेंट था, अगर कहीं पर भी आपको ये दिखे तो नीलिंग प्रोसेस होगी वो, ठीक है। सेकेंड वर्ड है हमारा स्टैंडिंग। स्टैंडिंग तो आपने सुना होगा, स्टैंडिंग मतलब खड़े रहने की पोजिशन को बोला जाता है स्टैंडिंग। थर्ड वर्ड है हमारा बहुत ही इंपॉर्टेंट वर्ड है फ्रेंड्स, सिटिंग। सिटिंग का मतलब होता है बैठना, जिस चेयर पर अभी मैं बैठा हूँ इसको बोलते हैं सिटिंग, ठीक है। फोर्थ, और आपको पिक्चर भी साथ में दिख रही होगी फ्रेंड्स, पिक्चर भी आपको दिखाऊंगा मैं इस वीडियो में, पिक्चर के साथ तो आपको क्लियर हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट वर्ड है हमारा इसको बोलते हैं स्लोचिंग। स्लोचिंग, स्लोचिंग का मतलब होता है बहुत ढीले तरीके से बैठना। आपने अभी मैं इधर बहुत स्ट्रेट बैठा हूँ, बहुत ही कॉन्फिडेंस से बैठा हूँ, और जब कोई पर्सन ढीले तरीके से अपने शरीर को पूरा लूज बॉडी कर देता है, लूज कर देता है, तो उसको बोला जाता है स्लोचिंग, ठीक है। आप पिक्चर में देखा, पिक्चर सबको क्लियर हो जाएगा स्लोचिंग, ठीक है। नेक्स्ट वर्ड है हमारा लेइंग। लेइंग मतलब होता है लेटना, अगर बिस्तर पर लेटे हो तो ले कर रहे हो, आप क्या कर रहे हो, लेइंग कर रहे हो। तो लेइंग की प्रोसेस को आप सब में यूज़ कर सकते हो लेइंग, क्योंकि आप ले करते हो हर टाइम, एवरी टाइम आपको ले करना पड़ता है, ठीक है, रेस्ट के लिए। चलिए, हमारा नेक्स्ट वर्ड है हमारा स्क्वैटिंग। स्क्वैटिंग का मतलब होता है दोनों पाँव से उठक बैठक करना, स्क्वैटिंग होता है वो, ठीक है फ्रेंड्स। दोनों पैरों से क्या करना है, उठक बैठक, स्क्वैटिंग होता है। आप पिक्चर में देखिए, ये जो बॉय जो इस तरह से पोजिशन में खड़ा है, इसको बोलते हैं स्क्वैटिंग, ठीक है, स्क्वैटिंग। नेक्स्ट है हमारा क्रोचिंग। क्रोचिंग का मतलब होता है फ्रेंड्स क्रोच करना, मतलब दो पैरों पर बैठना। दो पैरों पर आप जब भी बैठते हो तो क्रोच किंग की प्रोसेस होती है, क्रोचिंग की प्रोसेस होती है, ठीक है, क्रोचिंग। तो आई होप आपको ये क्लियर हुआ होगा, क्रोचिंग। नेक्स्ट है हमारा लास्ट है लीनिंग। लीनिंग का मतलब होता है फ्रेंड झुकाव तरीके से खड़ना, अगर आप दीवार के टेके से खड़े हो तो वो लीनिंग प्रोसेस होती है। कौन सी प्रोसेस होती है फ्रेंड्स, लीनिंग प्रोसेस होती है। तो आई होप ये आपको समझ में आया होगा। तो ये सारे वर्ड्स आपके लिए इंपॉर्टेंट है, मैं एक स्लाइड में आपको ये लिख दूंगा, ताकि आपका इसका एक स्क्रीनशॉट लीजिए फ्रेंड्स, और इसको रिमेंबर करने का ट्राई कीजिए। तो फ्रेंड्स, चलिए बस आज के इस वीडियो में बस इतना ही था फ्रेंड्स, और आज के वीडियो में बस इतना ही था, और मैं नेक्स्ट वीडियो में नए टॉपिक के साथ मिलूंगा। तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ऐसी ही धमाकेदार और बहुत ही इन्फॉर्मेशन वाली वीडियो आपको मिलती रहेगी, ताकि आपका इंग्लिश का नॉलेज बढ़ता रहेगा, ठीक है फ्रेंड्स। आपका इंग्लिश सीखने का मन हो या नहीं हो, तो भी आपको कुछ कुछ वर्ड्स का मतलब पता चल जाएगा इस चैनल के थ्रू। तो चलिए फ्रेंड्स, मिलता हूँ अगले वीडियो में, टिल देन टेक केयर, कीप प्रैक्टिसिंग, कीप लर्निंग एंड कीप स्माइलिंग, हैव अ ग्रेट डे। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो फ्रेंड्स।